रोजगार भारत वेबसाइट। जी हाँ, इस वेबसाइट में अगर आप सोच रहे हैं कि पैसा इन्वेस्ट करूं या ना करूं, किस प्रकार से इसका पे आउट होता है, इसका विड्रॉल प्रूफ भी आप देखना चाहते हैं कहीं हद तक, और बहुत सारे तमाम आपके दिमाग में क्वेश्चंस अभी चल रहा होगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल के ये वीडियो एंड तक ज़रूर से देखें। मैं जानता हूँ आपका टाइम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसी टाइम को देखते हुए मैं वीडियो को बहुत शॉर्ट क्रिएट कर रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे, और आप अपने टाइम को बचाकर किसी अलग जगह पर यूटिलाइज करें अपने टाइम को। चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एमडी जाहिर अख्तर, और आज हम इसका पूरा इन डेप्थ एनालाइजिंग करने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बातचीत कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन को लेकर, क्योंकि कभी भी किसी एप्लीकेशन को लेकर या किसी भी वेबसाइट को लेकर जब हम चर्चा करते हैं तब हमें यह देखना ज़रूरी होता है कि ये वेबसाइट कब से जो है लॉन्च किया गया है या कब से इसका डोमेन वगैरह रजिस्ट्रेशन किया गया है। तो जब मैंने इसका रजिस्ट्रेशन देखने की कोशिश किया तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है 30/8/2021 में ही जो है रजिस्ट्रेशन किया गया है, इसका डोमेन परचेस किया गया है। इस वीडियो को मैं जब बना रहा हूँ 3 मंथ बिफोर ही जो है रजिस्ट्रेशन किया गया है। साथ ही साथ इसका सर्वर की बात अगर किया जाए तो ये जर्मनी से बिलोंग करता है, ऐसा इंटरनेट में दिखा रहा है। और साथ ही साथ इसका जो मंथली ट्रैफिक है, जी हाँ, एक वेबसाइट में कितना ट्रैफिक आता है, कितना इंसान वहाँ पर जाता है, क्लिक करता है, वेबसाइट को चेक करता है, तो जब मैंने इसका एक डिटेल पार्ट देखने को मिला तो वहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मंथली ट्रैफिक जो है यहाँ पर 30 से लेकर 300 विजिटर्स आते हैं, और साथ ही साथ डेली ट्रैफिक अगर देखा जाए तो 1 से लेकर 10 ट्रैफिक आ जाता है। ये तो हो गया ट्रैफिक का बात, रजिस्ट्रेशन की बात। अभी प्लान के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, फिर भी थोड़ा सा डिस्कस करना ज़रूरी होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ₹264 में मंथली, यहाँ पर एंट्री, मतलब एक एक डॉक्यूमेंट अगर आप एंट्री करते हैं तो ₹2 करके मिलता है, जो आपको 50 मिलेगा पर डे, और ऐसे करके आप जो है मंथली ₹3,000 ईजिली अर्निंग कर सकते हैं, जो बताया गया है। अगर आप नेक्स्ट प्लान में जाते हैं तो वहाँ पर आपको ₹560 इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जहाँ पर मंथली यहाँ पर पे आउट निकल के आता है ₹7,200। ऐसे करके ₹1,200 का एक पैक है, ₹3,200 का एक पैक है, और वीकली एक पैक है जहां पर ₹1,190। ऐसे करके आपको बहुत कुछ प्लान देखने को मिलेगा, बट यहां पर जाने वाली यही बात है कि ये सब प्लान लेने के लिए आपको वेबसाइट में डायरेक्टली कुछ भी इनपुट नहीं दिया गया है। आपको डायरेक्टली जो है एक स्कैन करना पड़ता है, पे करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है, और उसी स्क्रीनशॉट को जो है आपको व्हाट्सएप में सेंड करना पड़ता है, जी हाँ, तब जाके अप्रूवल होता है और आपको जो है जीमेल में कुछ प्रोजेक्ट दिया जाता है। आप अपने पीसी, आप अपने टैबलेट या फ़ोन में जो है यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ज़रिए जो है आप इस काम को कर सकते हैं। बट यहाँ पर समझने वाली यही बात है कि ये कब तक चलने वाला है। यहाँ पर क्वेश्चन आने वाली यही बात है कि रोजगार भारत वेबसाइट पे कोई भी ऐसा ऑफिशियल नोटिस मुझे देखने को नहीं मिला। यहाँ पर एक क्वेश्चन बन ही जाता है, जीमेल के ज़रिए अगर कोई भी काम दिया जाता है और उसको सक्सेसफुल करके जीमेल के ज़रिए ही सेंड करना पड़ता है, मतलब कहीं हद तक ये जो है एक पर्सन या एक टीम हैंडल कर रहा है, मतलब ऑफिशियली ये कुछ भी वेबसाइट में नहीं दिया गया है। मैं डायरेक्टली फेक नहीं बता रहा हूँ, बट यहाँ पर समझने वाली ये बात है कि व्हाट्सएप में ज़्यादातर वर्किंग पार्ट हो जाता है, जो कोई भी वेबसाइट के सहारे कुछ नहीं होता है। वेबसाइट में सिर्फ प्लान दिया गया है और एक बारकोड दिया गया है जहाँ पर आप स्कैन करके पैसा सेंड कर सकते हैं। अभी कंक्लूजन में आते हैं, क्या ये वेबसाइट एक सही वेबसाइट होगा, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं, वो मैं बताने वाला हूँ। देखिए, डिजिटल वन बोल के भी एक कुछ वेबसाइट था, 2-3 वेबसाइट था, जहाँ पर मैं जब मैं यूट्यूब में नहीं आया था, उससे पहले जब मैं स्टूडेंट था, स्कूल स्टूडेंट था, तब मैंने पैसा इन्वेस्ट किया था और ऐसे ही टाइपिंग करना पड़ता था, बट एक वर्ड अगर मिसिंग हो जाता था या एक लेटर अगर मिसिंग हो जाता था, मतलब मीनिंग कुछ भी लेटर या वर्ड अगर मिसिंग होता था तो वो पूरा डॉक्यूमेंट कैंसिल हो जाता था और उसका पैसा भी नहीं मिलता था। ऐसा करके जो पैक था वो पूरा ही बर्बाद चला गया, और 1 मंथ के अंदर जो है जो टास्क था, जो प्रोजेक्ट था, वो कंप्लीट नहीं हुआ, और ये इंटेंशनली ये सब करते हैं कहीं हद तक। तो आपको जो है अभी सोचना है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, शायद आप समझ गए होंगे, जो समझदार हैं उसको इनडायरेक्टली काफ़ी हैं, और ऐसे करके अगर आपका टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं, अगर मान लीजिए आपको मंथली जो है 1500 डॉक्यूमेंट कंप्लीट करना है और आप पर डे कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, अपने मोबाइल में टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं, लैपटॉप में टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं,
मगर जो है वो कंपनी लोग आपको अगर बताते हैं कि आपने ये वर्ड गलत किए हैं, आपने वो लेटर नहीं दिए हैं, तो कहीं हद तक आप जो है इरिटेट फील करेंगे और आपका जो पैसा इन्वेस्ट किया आप सोचेंगे जाने दो, मगर जाने दो नहीं, यही सर्कल हो जाता है कहीं हद तक। तो यहाँ पर अभी आपको डिसीज़न लेना है और आपके मन में क्या चल रहा है आप ज़रूर से नीचे में कमेंट करें। अगर आप इसका एक्सपीरियंस कर चुके हैं तो ज़रूर से, जो और भी नए इंसान इस वीडियो को देख रहे हैं, जो व्यूअर्स देख रहे हैं, उनके लिए आप ज़रूर से नीचे में कमेंट करें। और आप किस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं ज़रूर से नीचे में कमेंट करें। अगर ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके का वीडियो बहुत ज़रूरी होता है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके होम पेज में जाता रहेगा। चलिए फिर आज के लिए अलविदा लेते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए सोच के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक थैंक यू सो मच और खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।